वही छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन का घेराव करने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जल्द ही इसके तारीख भी तय कर दिए जाएंगे। वही जगदलपुर हत्याकांड पर दीपक बैज ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वही 5 दिन के अंदर में जगदलपुर में 3 बड़ी घटनाएं हुई है। बीजेपी कार्य समिति बैठक में मुख्यमंत्री साय के उद्बोधन पर दीपक बैज ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी जनता के हर वर्ग को साथ लाने के लिए लालच देने का काम कर रही है। रोका छेका योजना को बंद करने के पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस ने रोका छेका योजना शुरू किया था, सरकार ने इन सब योजनाओं को बंद कर दिया है। गृह मंत्री तो गए है गुजरात मॉडल देखने। गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है और गुजरात मॉडल को आप लोगों ने देखा भी है कि हम दो हमारे दो, वही जेम पोर्टल का काम है ताकि इनकी चहेते लोगों को लाभ दे सके। हमारी सरकार ने CSIDC के माध्यम से लोकल और छोटे व्यापारियों को, छोटे ठेकेदारों को उनका लाभ मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से ये सिस्टम अपनाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ चंद लोगों को और बाहर के लोगों को इसका लाभ देने के लिए, बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ देने के लिए ये जेम पोर्टल योजना लागू की है, बल्कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए जेम पोर्टल योजना इन्होंने शुरुआत कर रही है। दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही है, सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। और जिस तरह से ये 5 दिन के अंदर में जगदलपुर शहर संभाग मुख्यालय जिला मुख्यालय में 5 दिन के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई और रात की बात करें तो मेन रोड के सिर्फ 10 कदम अंदर में एक घर में अपराधी घुसते हैं, तीनों को बांधते हैं, बांधने के बाद उनको हथियार से मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसमें से 2 लोगों की स्पॉट डेथ हुई और एक अभी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। मतलब इस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार, हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये सुशासन है या जंगल राज है? कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्या अपराधियों को संरक्षण देने का काम कहीं सरकार तो नहीं कर रही है, जो जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है? इसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता आक्रोश में है। आने वाला समय में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव की तैयारी कर ली है और इसको जल्दी ही ऐलान कर इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही है और जगदलपुर की घटना निंदनीय है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है।